प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मची गहमा गहमी के बीच कोरबा जिले के भाजपा प्रमुख अशोक चावलानी ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। ईवीएम की सुरक्षा में हुई सेंध पर भाजपा पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर कांग्रेस नतीजों के दो दिन पहले तक भी ईवीएम की सुरक्षा चाहती है तो भाजपा उनके लिए खटिया और बिस्तर का इंतजाम कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि वह जिलाध्यक्ष हैं, बावजूद वोटिंग के वक्त को छोड़कर उन्होंने कभी ईवीएम को नहीं देखा। कांग्रेस ईवीएम को साथ रखकर ही सो जाए ताकि उसकी सुरक्षा और सुनिश्चित की जा सके। चुनावी नतीजों से ठीक पहले कोरबा जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक चावलानी से सीधी चर्चा की हमारे सहयोगी सत्या साहू ने। आप भी देखिए यह पूरी बातचीत। देखिए, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, चाहे पेपर में आए हों चाहे चैनलों के माध्यम से आए, हर चैनलों में अलग अलग एग्जिट पोल है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत दिखा रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, मुझे पूरा विश्वास है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने पहले ईवीएम मशीन, पूरा डेढ़ दो महीना ईवीएम मशीन पे आरोप लगाया, अब खरीद फरोख्त पे आरोप लगाया। आप देखेंगे 2013 में भी यही घटना घटी थी, 2008 में भी यही घटना घटी थी, 2003 में भी यही घटना घटी थी कि ईवीएम मशीन और उसके बाद खरीद फरोख्त का आरोप लगता है। यह उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है कांग्रेस के पास, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आ रही है। भीतर घातियों की जहाँ तक की बात है, कोरबा जिले में वही न के बराबर आई है और जो भी जिन्होंने भी प्रत्याशियों ने किया है वो प्रदेश में किया है और प्रदेश में चुनाव गठन होने के बाद 11 तारीख पर इस पर विचार करेगी और ये पूरे प्रदेश का मामला, प्रदेश जो दिशा निर्देश देगा उस हिसाब से जिले में काम होगा। मैं मुझे नहीं लगता कहीं पे भी चूक हो, खासकर कोरबा में भी ऐसा कोई चूक नहीं ईवीएम मशीन में, और हम तो आज तक ईवीएम मशीन के पास नहीं गए। अगर कांग्रेस ईवीएम मशीन की रक्षा करना चाहता है तो हम वहाँ पर खटिया और बिस्तर भी लगा देने को तैयार है कि वो वहाँ पर सो जाए और अपना ईवीएम मशीन की पूरी तरह से सुरक्षा करें। हमने जो भी काम किया है बूथ लेवल से ग्रास रूट पे काम किया है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व 65+ को लेके चल रहे हैं। परसों हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको बुलाया था, जिला अध्यक्ष और सभी कैंडिडेटों को वहाँ बुलाया था, उन्होंने अभी भी 65+ का दावा कर रहा है, लेकिन मान लो 65+ नहीं तो उसके आसपास हमारी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार। देखिए, आपने रुझान आपने भी देखा है, मध्य प्रदेश का भी रुझान 120-125 के आसपास आ रहा है, पूर्ण बहुमत आ रही है। राजस्थान में ये जरूर है कि सभी चैनल उसको कम दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से हमारी बातें आ रही हैं, जो अब दो दिन के बाद, जिस दिन राजस्थान का एग्जिट पोल आया था उस दिन तो उन्होंने कांग्रेस जिताया, लेकिन दो दिन के बाद पूर्ण उसका भाजपा को दो दिन के बाद कि पूरी सरकार भाजपा की दिख रही है राजस्थान में।